आज तो भाई ज्यादा सेल्फी लेगा, फॉलोअर्स की लैन लग जानी है लैन। आपा तो वही सेलिब्रिटी। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ सेल्फी लेंगे आप? क्यों भी शहजादे, उदास क्यों? बेशक तुम टीवी और फिल्म के बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, लेकिन मेरे नज़दीक तुम इंस्टाग्राम के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। लो, मेरे साथ सेल्फी लो। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम क्या है, और हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ की आजकल की फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर और सोशल मीडिया के दौर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तान में तकरीबन कम यूज़ होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम को ओन करने वाली कंपनी भी फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की आपस में इंटीग्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंस्टाग्राम पर आप ज़्यादातर वीडियोज़ और फोटोज़ शेयर कर रहे होते हैं। फोटोज़ के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी की या दिन की पूरी कहानी बता रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स को। इसमें भी फेसबुक की तरह न्यूज़ फीड होती है, जिसके ऊपर आपकी चीज़ें अपीयर हो रही होती हैं आपके फॉलोअर्स को, और जो जो आपके पेज को यानी कि इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करता है, उस तक आपकी तमाम पोस्ट शुदा वीडियोज़ और फोटोज़ पहुँच रही होती हैं। इंस्टाग्राम के अंदर हैशटैग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ किस वजह से करना चाहिए, आइए उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहली रीज़न है रीच। इंस्टाग्राम स्पेसिफिक यूज़र तकरीबन 800 मिलियन से ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ा नंबर है। अक्सर क्लाइंट आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे कि हमारी इंस्टाग्राम फोकस एड्स बनाएं और इंस्टाग्राम के ऊपर उन एड्स को चलाएं। ज़्यादातर क्लाइंट्स इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि फेसबुक के ऊपर जो टेक्सचुअल एड्स हैं वो इंस्टाग्राम की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, और इंस्टाग्राम की जो एड्स जो फोटोज़ ओरिएंटेड होती हैं उसकी रीच और उसकी इंगेजमेंट फेसबुक की एड्स से ज़्यादा होती है। इसे अगर हम आगे चलें तो दूसरा बड़ा पॉइंट इंस्टाग्राम को यूज़ करने का है विजुअल मार्केटिंग, जिससे मैंने पहले भी बताया कि फ़ोटोज़ की मदद से आप अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे होते हैं, लफ्ज़ बहुत कम होते हैं, तो विजुअल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। ज़्यादातर फैशन के ब्रांड्स या सेलिब्रिटीज़ इंस्टाग्राम पे अपनी ज़िंदगी की कहानी को फ़ोटोज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, विजुअली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और विजुअल का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा लफ्ज़ों का नहीं होता। तीसरे नंबर पर हमारे पास है फ़ोटो एनहांसमेंट टूल्स। इंस्टाग्राम आपको बहुत से ऐसे एनहांसमेंट टूल देता है फ़िल्टर्स की शक्ल के अंदर कि जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस को बेहतर बनाने के लिए, जो फेसबुक के अंदर कंपैरेटिवली कम है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पॉइंट है एक्सप्रेस पर्सनैलिटी का फ़ोटोज़ के थ्रू। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे होते हैं, वो अपने खाने की पिक्चर, सुबह कौन सा अंडा खाया उसकी पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं, कौन सा जूता पहना है उसकी पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं, या कौन से मुल्क के अंदर क्या चीज़ देखी है उसकी पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेलिब्रिटी है या हमारा जो फेवरेट पर्सन है कि जिसके इंस्टाग्राम को हम फॉलो कर रहे हैं, वो दिन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू गुजर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पॉइंट है विजुअल कस्टमर रिस्पॉन्स का। आपका जो यूज़र है या कस्टमर है, अगर आप एक ब्रांड इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो विजुअली भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, और उसके रिस्पॉन्स को आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या इंस्टा जो अक्सर एक शॉर्ट फॉर्म है इंस्टाग्राम की, उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है मेक एंड अपलोड वीडियोज़ का। यू कैन मेक एंड अपलोड वीडियोज़ ऑल्सो। मेरे नज़दीक वीडियोज़ आर नॉट रियली ए गुड टूल ऑन इंस्टाग्राम। ज़्यादातर लोग इसके ऊपर फोटोज़ शेयर करते हैं और फोटोज़ की रीच ज़्यादा होती है, लेकिन वीडियो कैपेबिलिटी भी आपके पास है, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट के अंदर हमारे पास पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इन्फ्लुएंसर्स का। इंस्टाग्राम के ऊपर होती हैं सेलिब्रिटीज़, इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जितना स्टार्ट में हमने देखा कि शहजादा साहब थे, कि जिनको ज़्यादातर लोग तो जानते नहीं होते, लेकिन उनकी एक कम्युनिटी होती है जो उनके कंटेंट को देख भी रहे होते हैं, उसको पसंद भी कर रहे होते हैं और उसको शेयर भी कर रहे होते हैं। वो हो सकता है कि एक मजाया कॉन्टेंट हो जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में लोग पसंद करते हों, या कुछ पिक्चर्स ऐसी वो पोस्ट करते हों कि जो लोग देखना पसंद करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंस्टाग्राम की कम्युनिटी में। अक्सर आपको फ्रीलांसिंग के अंदर क्लाइंट्स की जॉब्स मिलेंगी कि जिसके अंदर क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो, और उन इन्फ्लुएंसर्स से कॉन्टैक्ट करके हमारा कॉन्टेंट उनको दो या हमारा प्रोडक्ट उनको दो, ताकि वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कम कॉस्ट के अंदर। तो आपकी ड्यूटी होगी उन इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करना, ये देखना कि क्या वो इन्फ्लुएंसर उस ब्रांड को हेल्प आउट कर सकता है उसकी प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने बात की इंस्टाग्राम की, हमने ये बात की कि इंस्टाग्राम किस लिए यूज़ होता है,
और उसकी पावर क्या है, कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, और क्या आपको एज ए डिजिटल मार्केटर इसके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए या बनानी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि शहज़ादा, कि जो एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के ऊपर, आम दुनिया उसको नहीं जानती लेकिन इंस्टाग्राम की कम्युनिटी उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है ब्रांड का मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने के लिए।